श्रीनगर के शोफिया में वर्ष 2018 में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 6 आतंकियों को मौत के घाट उतारने वाले हमीरपुर जिला के कांगो क्षेत्र के राजवीर को पुलिस मेडल फॉर गारंटी अवार्ड से नवाजा गया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर नवाजा, जबकि पुलिस मेडल उन्हें राष्ट्रपति के हाथों दिया जाएगा। उनको अवार्ड मिलने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनकी माता सुनीता देवी, पत्नी रेणु वर्मा व दोनों बेटे बेहद खुश हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। वहीं अवार्ड मिलने के बाद पत्नी से दूरभाष पर हुई बात में राजवीर ने अपने पिता स्वर्गीय कुमीचंद को भी याद किया, जो कि भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके थे। राष्ट्रपति द्वारा घोषित मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड में इस बार देश के दो जवानों के नाम शामिल हुए थे, जिनमें हमीरपुर जिला के कांगू उप तहसील के मालंग गांव के राजवीर सिंह का नाम भी शामिल था और पिछले कल दिल्ली में उन्हें प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। राजवीर ने 25 नवंबर 2018 को एक ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट करने वाले एक्सपर्ट आतंकी समेत 6 दहशतगर्दों को मार गिराया था। उनको मिले अवार्ड से उनके परिवार में खुशी का माहौल है और राजवीर के छुट्टी के आने का इंतजार भी है। राजवीर की माता सुनीता देवी ने बताया कि उनको अपने बेटे पर गर्व है और राजवीर के पिता स्वर्गीय कुमीचंद हमेशा से चाहते थे कि उनके बेटे देश सेवा करें। उन्होंने बताया कि 2018 के ऑपरेशन के बाद राजवीर ने घर आने पर मुठभेड़ के बारे में बताया था। उस समय उनके पिता ने उन पर फक्र महसूस किया था। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और बहुत गर्व। 2018 का ये केस है, क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी और इसके बारे में बताया था? हाँ जी, बच्चे ने बताया था हमारे को कि ऐसे ऐसे हुआ है कांड, तो बाकी नहीं कुछ बताया था उसने। उस टाइम तो मेरे को बहुत ये हो रहा था कि कितनी जान हथेली पे लेके बच्चे ने की है इतनी कुर्बानी देश के लिए। परिवार में पहले इनके पिताजी भी फौज में रहे हैं? हाँ जी, इसके डैडी भी फौज में थे भक्ति के लिए, और उनको भी बहुत फक्र था कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे ये करके आया देश के खातिर। राजवीर जी जब आएंगे तो क्या कुछ तैयारियां घर में, माहौल कुछ? घर में देखते हैं, अभी जब आएगा वो तो थोड़ा करेंगे कुछ न कुछ। वहीं राजवीर की पत्नी रेणु वर्मा ने बताया कि अवार्ड मिलने के बाद राजवीर ने उनसे फोन पर बात के दौरान अपने पिता को याद किया। उन्होंने कहा कि आज हम जो भी हैं वह उनके माता पिता के आशीर्वाद के कारण है। उन्होंने कहा कि राजवीर के साहस व मुठभेड़ की घटनाओं से दिल डरता है, परंतु देश सेवा के जज्बे के लिए मिले अवार्ड से उन पर गर्व भी है। हमें तो बहुत खुशी है कि हमें राष्ट्रपति के से उनको अवार्ड मिला। और ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पति जी आगे भी ऐसी सेवा करते रहे, हमारे दोनों बेटे भी सेना में भर्ती हो, और सबसे ज़्यादा हम मम्मी डैडी को ज़्यादा ये करते हैं कि उन्होंने इस मुकाम के पहुँचाए। पहले तो हमें डर लग रहा था जब उन्होंने बताया कि हमने ऐसे ऐसे कांड किया, तो हम बहुत दुखी हो रही थी कि हाँ ऐसे ऐसे किया, लेकिन अब हमें बहुत खुशी हो रही है कि अवार्ड मिला और सभी कोई फोन आ रहे हैं वो बधाई दे रहे हैं, और अभी तक ऐसा नहीं सोचा लेकिन आगे बनाते हैं प्रोग्राम के बनते हैं। कल जब अवार्ड मिला उसके बाद आपकी कोई बात हुई उनके साथ? हाँ जी। क्या कह रहे थे? इतनी ऐसे फील कर रहे थे कि डैडी होते तो ऐसा होता, लेकिन अब नहीं ऐसे फील कर ज्यादा। वहीं उनके दोनों बेटे आदित्य और उदय ने कहा कि उनका सपना देश सेवा करने का है। उन्होंने कहा कि पिता को अवार्ड मिलने पर उनके दोस्त भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। बोला कि बड़े होकर डॉक्टर बनना और ना हमारा नाम ऊंचा करना, बहुत ज्यादा बधाई देते। बोला कांग्रेचुलेशन, आपके पापा को इतना बड़ा अवार्ड मिला। मुझे बहुत खुशी है। खुशी है? कल पापा से बात हुई थी? क्या बोल रहे थे पापा? कितने क्या तोहफा नहीं ला रहे तेरे लिए? कुछ ला रहे। क्या मंगाया पापा से तोहफे में? साइकिल। क्या बोलेगा पापा को? कुछ बोलना चाहेगा टीवी के मुझसे? क्या बनेगा आगे? पापा की तरह कमांडो? ठीक से बोलो ना। कमांडो बनेंगे।